वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एस आर के व्लॉग्स। तो अभी का व्लॉग है, हम दिल्ली टू मनाली जा रहे हैं। एक और हमारे साथ यूट्यूबर है, उनको भी मिलाएंगे आपको। बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है, हर्ष बेनीवाल के साथ भी आते हैं वो। सो आई जस्ट प्लान के जो बस है पहले उसका ओवरव्यू दे देते हैं। सो बस कुछ इस तरह की है, ये है लक्ष्मी ट्रैवल वालों की बस, दिखाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। सो अभी प्रिकॉशन लेना क्या क्या है, आपके पास दोनों वैक्सीनेशन होने चाहिए, दोनों डोज लगे होने चाहिए। पीछे बस है लक्ष्मी ट्रैवल्स वालों की, राइट। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है, दिखाते हैं बस। ये है वोल्वो स्कीनिया, राइट, जो कि वन ऑफ मोस्ट लग्जरियस बस इन द इंडिया है। इसका फेयर मैं आपको बताऊंगा, कैसे टिकट करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ओवरव्यू भी दे दूंगा साथ में बस का। काफ़ी अभी तक हम रुके अपना डिनर करने के लिए। ये कुछ एंट्रेंस है और बस में भी कोई नहीं है, ये बस है, ये हमारी सीट है, एक और दो। देन ये एंट्रेंस है कुछ इस तरह का, काफ़ी लग्जरियत इंटीरियर है। वैसे मुझे अभी तक ना काफ़ी कंफर्टेबल में हम रहे हैं, दिल्ली से भी यहाँ तक करनाल में रुके हैं। और ये कुछ इस तरह से है, ऑटोमेटिक ट्रांसेक्शंस, और ये उसकी टॉप स्पीड है 85, आई गेस यहाँ लिखी हुई है। सो ये ड्राइवर दादा हैं और अभी चलते हैं यहाँ से। हमारे फेमस यूट्यूबर थे मिस्टर हर्ष बेनीवाल के साथ में उन्होंने किया हुआ है कोलैबोरेशन, जिनको सब छोटों के नाम से जानते हैं, और होप कि आपको दिखाई दे रहे जा रहे हैं। और ये है जिनको मिलाना चाहते थे भाई, सब लोग इनको जानते हैं। एक बार मास्क हटा दो बाबा, यस अरे भाई साहब सभी जानते हैं इनको, और मैं डेफिनेटली, और सब बढ़िया है। तो अभी आप लोग साथ ही में चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं मनाली। सेम बस में हूँ और हम जाने वाले हैं मनाली, और अभी खाना खाने के लिए रुक गया। तब भैया ने मेरे को, तब भैया मुझे मिले, तब मुझे पता लगा कि अच्छा एक ब्लॉगर भाई साहब है हमारे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं भैया को सपोर्ट करो, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं यहाँ पे। और हमारे वो गुड्डू भैया इस समय जो है सर्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। गुड्डू भैया कम नहीं खा रहे हो हैं? रिफिल कर, सही है, यही है बेसिकली। हम लोगों ने ना खाना तो ले लिया है, रोटी नहीं मिली अभी तक, और रोटी के लिए पूरा कुनबा इंतजार कर रहा है जितने लोग बस में आए हुए हैं। गुड्डू भैया जो है इस टाइम ग्लास में लेकर घूम रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना खाया था ना, वो कुछ खास नहीं था, मतलब टेस्ट नहीं था। 200 रुपये की थाली थी, राइट, बुफे में। और मनाली आ चुके हैं, ओके। बहुत ज़्यादा है ठंडी, पानी के लिए बर्फ़ का पहाड़ है यहाँ पे पूरा। ये हमारा होटल है, होटल अभी दिखाएंगे, एक ओवरव्यू भी देंगे। और यार सही बात है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर, मैं पूरा भीग चुका हूँ। बट ये वीडियो बनाने के लिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए बाहर निकला हूँ दोबारा, क्योंकि इतना पानी गिर रहा है कि बिल्कुल मौका नहीं मिला। ऑन फायर एरिया है यहाँ पे, बोन फायर होता है, और ये रूम्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग घूमने निकल गए हैं। और ये है कुछ होटल, तो आई थिंक अभी पानी गिर रहा है, अभी स्नोफॉल नहीं हो रही, गली हुई है ये, फ्रेश स्नो पड़ी है कल की। सो अभी मिलते हैं रूम में थोड़ी देर में, थोड़ा सा लाइक चेंज वगैरह कर लेते हैं, देन दोबारा मिलते हैं। एक बार रूम टूर भी आपको बताऊँ। अभी मैं अपनी लाइक विंडो पे हूँ जहाँ मेरा रूम है, और वहाँ पे मैं हूँ, और रियल नहीं मानोगे मेरे पीछे स्नो फॉल हुई है अभी 2 मिनट पहले। मैंने इवन दिखाया भी था स्नो हो रही है, और बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है। और जिस होटल में मैं रुका हूँ ये है द एवेन्यू गेस्ट हाउस,
एंड आप ये भी कह सकते हो टूरिस्ट लाइक नेस्ट है इसका ना एड्रेस, और इसका जो फेयर है वो भी बहुत बढ़िया है, बजट ट्रैवलर के लिए फैमिली के लिए तो वर्थ है। मतलब मैंने किया है 3 दिन के लिए, यू कांट इमेजिन, 2090 रुपये का, मतलब 2100 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली। तो बट यार इस टाइम अगर कोई भी आना ना ये स्नोफॉल के मौसम में ठंड में, तो कैब वालों से हमेशा, जो वोल्वो पे कैब वाले मिलते हैं ना उन लोगों से हमेशा होशियार रहना, वो आपको बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ और कहीं छोड़ देंगे। अभी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, हमारे साथ एक और हैं गुड्डू भैया नाम के, इनका यूट्यूब चैनल है, वो भी साथ ही में थे, उनके साथ भी यही स्कैम हुआ। तो अभी मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यू, स्नो, और ये अभी फ्रेश स्नो है क्योंकि अभी मेरे सामने स्नो पड़ी है। ओह माय गॉड, इधर स्नो हो रहा है, अभी स्नोफॉल हो रहा है और मैं बिल्कुल एक वॉर्म स्वेटर पहने हूँ, ठंडी लग रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। सो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, ये होटल है अपना, इसके अंदर जाना है, ये रूम है, ये बालकनी है, देख लो, मिलते हैं थोड़ी देर में, ये बाय बाय। सो हम निकल गए हैं मनाली माल रोड के लिए छाता लेके, ये जी इसकी डोरी है, ओह माय गॉड, ओ भाई, और अभी आ गए हैं यहाँ पे। ओके, ये है ड्रैगन चौक, काफी लोग निकले हुए, कैसा लग रहा है, चलो आगे मिलते हैं। हम अभी, यार मैं तो अभी इधर निकला हुआ था, नीचे ओल्ड मनाली में हूँ, एंड अभी देखते हैं आगे जाके स्नो वाले शूज़ लेने, क्योंकि ओवर स्नो है यहाँ पे, तो जो हम शू लेकर आए ना उस पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, मैडम के जो पैर हैं वो गीले हो जा रहे हैं। कैफ़े एवरग्रीन से कुछ लेते हैं खाने के लिए। यार पूरी स्टीव है यार, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं, मैं मेरी पहली प्रेफरेंस है, कोई आता है ना मनाली तो मनाली माल रोड ना रुक कर सीधे ओल्ड मनाली रुके। वो मैं होटल आ चुका हूँ, ये है होटल एंट्रेंस और ये है होटल जिसमें यहाँ पे लोगों ना प्लीज़ पॉज करके डिटेल्स को देख लेना, ये होटल है, टूरिस्ट नेस्ट, गेस्ट हाउस, सनी रूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, सभी रूम्स में बैल्कनी अवेलेबल होगा, ये एंट्रेंस है। सॉरी यार, आई एम नॉट वेल, और ये एंट्रेंस है, ये आई थिंक डाइनिंग एरिया है। ओके, इसमें फड़ा हुआ है और ये है। सो यार हालत ख़राब हो गई, ये हमारे रिसेप्शन वाले भैया। ओके,
वेलकम बैक अगेन। सो अभी वीडियो एंड करने का पार्ट है। सो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बिस्तर में लग चुके हैं, वॉट लग चुकी है ठंड के मारे। और अभी का सीन ये है कि अब हम सोएंगे और सुबह मिलेंगे और वो नए व्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। होप कि आपने इस पार्ट को इंजॉय किया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सभी करना, क्या वीडियो में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या इन्फॉर्मेटिव आपको लगा। पर जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था ग्राउंड लेवल पे वही मैंने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी परेशान हो। सो चलो मिलते हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।